हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छा क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत आसान है, पर उसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। मैंने ये पेप्सी की बोतल ली है और इसको क्लीन करके जो इसका एंड का है वो कट कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है। नीचे का पार्ट हम ले लेंगे और चलिए इसमें कुछ न्यूज़पेपर इंसर्ट करते हैं। न्यूज़पेपर बहुत ही टाइटली इंसर्ट कीजिए इसमें ताकि ये हिले ना। चलिए अब इसको मास्किंग टेप से बंद करते हैं ताकि न्यूज़पेपर हमारा हिले ना। नीचे से बिल्कुल इसको कवर कर दीजिए जैसे मैं कवर कर रहा हूँ, मास्किंग टेप का यूज़ कीजिए। चलिए इसके बाद वॉल पुट्टी का डो बनाना है जो कि थोड़ा गीला होना चाहिए और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और ट्राई कीजिए कि आप जो कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है उसकी शेप देने का ट्राई कीजिए आप, जैसे मैं दे रहा हूँ। ऊपर से बॉटल के ऊपर से कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी शिमला मिर्च की शेप में होती है, देखिए इस तरह से। और ऊपर से देखेंगे बस नीचे से थोड़ी शेप देनी है। चलिए दोस्तों अभी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें एक दरवाज़ा बना रहा हूँ। पहले हम सीमेंट हटाएंगे इसको, जैसे मैं हटा रहा हूँ वैसे ही आप हटा सकते हैं। आप चाहें तो जब सीमेंट लगा रहे हैं तो उतनी जगह छोड़ सकते हैं, पर मैंने इसको सूखने के बाद इसमें ये दरवाज़ा बना रहा हूँ। और जो ये प्लास्टिक है इसे भी हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए ये इसका दरवाज़ा बन चुका है। चलिए जो इसके अंदर न्यूज़पेपर हमने इंसर्ट किया था वो भी आराम से इसको निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे जब हमारी ये क्राफ्ट हमारा सूख जाए, सीमेंट सूख जाए तभी हम इसको निकालें, अदरवाइज ये टूटने या चटकने का डर रहेगा। इसको बड़ी केयरफुली निकालना है न्यूज़पेपर को। चलिए न्यूज़पेपर निकल चुका है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम मोल्डिंग के लिए लेंगे कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर की जो डंडी होती है शिमला मिर्च के ऊपर की डंडी वो बनाएंगे। सबसे पहले हम ये बेस बनाएंगे, जो पत्ती होती है डंडी के नीचे, जो पत्ती होती है जो कि शिमला मिर्च और डंडी के बीच में जुड़ी होती है उसे बनाएंगे। आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ क्ले का यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो मोल्डिंग क्ले है वो टूल की मदद से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये मैंने देखी डंडी भी बनाई हुई है जो कि क्ले की बनाई है, थोड़ी सी ड्राई हो गई है। अब मैं इसको फेविकॉल या किसी के भी हेल्प से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत इजी है, आप बस लास्ट तक वीडियो देखिए और बहुत ही अच्छा लगेगा, इजी भी बहुत है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है। चलिए मैंने कुछ ये मोल्डिंग के लिए के कुछ स्टेप्स बनाए हैं, इनको आपस में ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, आप ट्विस्ट कर लीजिए। अब जो हमने इसमें दरवाज़ा बनाया है शिमला मिर्च का उसके चारों तरफ लगाएंगे ताकि एक बेल की शेप लगे हमें, इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी शिमला मिर्च जो है वो पूरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ये देखिए आप। चलिए अब हम इस पर कलर करते हैं, सबसे पहले इस पर रेड कलर करेंगे, ये देखिए रेड कलर हमारा कम्प्लीट है। चलिए उसके बाद जो डंडी के नीचे पत्ती होती है उसमें हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे। उसके बाद जो डंडी है ऊपर की उस पर ब्राउन और ग्रीन करेंगे, डंडी के ऊपरी भाग में हम ब्राउन थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, नीचे हल्का सा ग्रीन मिक्स करेंगे जैसे मैंने किया है ताकि ये नेचुरल लगे। चलिए इसके बाद जो हमने दरवाजे पे बेल बनाई थी उस पर हम हल्का ब्राउन कलर करेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और लीजिए दोस्तों हमारा सुंदर और बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट रेडी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही आसान। चलिए इसमें हम कुछ लाइट लगाते हैं, इसके अंदर रख देते हैं लाइट, मैंने ये छोटी सी एलईडी लाइट रखी है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मैंने ये इसके नीचे एक लीफ बनाई है जो कि मैंने क्ले की बनाई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी हालांकि ये रेडी नहीं हुई है, इसमें ग्रीन कलर करना है और इसको तैयार करना है जो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं मैंने कैसे बनाई है तो मैं अगले प्रोजेक्ट में ये बनाने जा रहा हूँ, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।